नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। संसद में बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अलवर में दिए गए बयान पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। उनके बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की है। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे अभद्र बताया। खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर छिड़ा संग्राम। खड़गे बोले, आजादी में बीजेपी का क्या योगदान। खड़गे के बयान की बीजेपी ने की कड़ी निंदा। बीजेपी ने खड़गे से की माफी की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा की सभा में भाजपा के खिलाफ विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। तो ये कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कभी कातिल बदलते हैं, कभी खंजर बदलता है। सभी लोग डेमोक्रेसी को, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद राज्यसभा और लोकसभा का तापमान बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये मुद्दा उठाते हुए उनसे माफी की मांग की है। उन्होंने कहा, कल अलवर में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभद्र भाषण दिया था। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, निराधार बातें कही और देश के सामने झूठ पेश करने की कोशिश की, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं उनसे माफी की मांग करता हूं। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करते रखे। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इतना नीचे गिर सकते हैं और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। हम दुश्मन नहीं, प्रतिद्वंदी हैं। ये अरुचिकार, दुर्भाग्यपूर्ण और अनावश्यक है। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो भाषा इस्तेमाल किया, आप सोच के देखिए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत ख़राब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है, ऐसे बात और इस तरह का जुबान इस्तेमाल करने से। तो वही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि खड़गे साहब की पार्टी सबको कुत्ता ही समझती है। मेरे नाना करीब 5 साल तक जेल में रहे और कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने आज तक सबको कुत्ता ही समझा है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में वार पलटवार तो चलता ही रहता है, पर यह सोचने वाली बात है
कि इस तरह की बयानबाजी किस हद तक सही है और खड़गे अपने बयान पर माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।